रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान पिछले साल लॉन्च हुए जियोफोन का अपग्रेडेड वर्जन जियोफोन 2 भी लॉन्च किया गया। जियोफोन के बारे में बात करते हुए मुकेश अंबानी ने बताया कि जियोफोन को अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने खरीदा है। इस फोन को यूजर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब कंपनी जियो 2 भी लॉन्च करने वाली है। आपको बता दें कि जियोफोन 2 की बिक्री 15 अगस्त से शुरू होगी। इस फोन को 2,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने जियो मॉनसून हंगामा ऑफर भी पेश किया है, जिसके तहत अगर यूजर अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें ये फोन मात्र 501 रुपए में मिल सकता है। इस फोन में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले दिया गया है। वहीं फोन में 512 MB की रैम और 4 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये फोन काई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। बेसिक फोटोग्राफी के लिए फोन में 2 MP का रियर कैमरा और VGA फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये ड्यूअल सिम फोन है, जिसमें पावर के लिए 2000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में LTE बैंड 3.5.40, 2G बैंड 900/1800, वाईफाई, GPS, FM, NFC, वोल्ट और VO वाईफाई जैसे फीचर मौजूद हैं। इसके साथ ही इसमें लाउड मोनो स्पीकर दिया गया है। ये फुल क्वालिटी कीपैड के साथ आता है। वहीं मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और बेटे आकाश अंबानी ने जियो फोन से जुड़े नए फीचर्स का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जियो फोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्स फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब का सपोर्ट दिया जा रहा है।